गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो अध्याय नंबर 6 चल रहा था मृदा, उसकी दूसरी वीडियो अपन बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे उसको पढ़ने जा रहे हैं। पहली वीडियो में बच्चों अपन ने मृदा के शाब्दिक अर्थ के बारे में समझा था, मृदा का निर्माण किन किन घटकों से मिलकर के होता है उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में अपन जो है मृदा के वर्गीकरण को यानी मिट्टियों के अलग अलग प्रकार के बारे में जानकारी अपन इसमें प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं मृदा का वर्गीकरण। प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य भागों में बांटा जाता था, यानी सबसे पहले मिट्टी को केवल दो ही भागों में बांटा जाता था, जो उर्वर मृदा जो उपजाऊ होती थी और ऊसर मृदा जो अनुपजाऊ होती थी। यानी कि सबसे पहले केवल मिट्टी को दो भागों में बांटा था। पहली वाली थी बच्चों उर्वर मृदा, जिसको उपजाऊ मिट्टी भी कहते थे, और दूसरी होती थी ऊसर मृदा, जिसको अनुपजाऊ मिट्टी कहा जाता था। तो प्रश्न बने कि प्राचीन समय में मृदा कितने भागों में बांटी गई थी। तो प्राचीन समय में मृदा को केवल दो भागों में बांटा था। पहली है उर्वर ऊर्जा, जिसको उपजाऊ ऊर्जा कहते मृदा कहते हैं, और दूसरी ऊसर मृदा या ऊसर मिट्टी, जिसको कि अनुपजाऊ यानी कि जो उपजाऊ नहीं होती है उसको ऊसर मिट्टी कहते हैं। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उसकी सहज विशेषताओं तथा खाद्य लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था। यानी मृदा का सही वर्गीकरण जो है बच्चों वो 16वीं शताब्दी में किया गया था, मिट्टी के रंग के आधार पर, मिट्टी के बनावट के आधार पर, मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर मिट्टी को अलग अलग भागों में बांटा गया था। गठन के आधार पर मृदाओं के प्रमुख प्रकार थे बलुई मिट्टी, मृणमय मिट्टी, पांसू मिट्टी, दोमट मिट्टी। रंग के आधार पर लाल, पीली, काली मिट्टी। फिर स्वतंत्रता के पश्चात अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदा के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के तत्वावधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयास भी किए गए। भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत भी किया गया था। यह वर्गीकरण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा दिया गया था। यानी भारतीय कृषि विभाग जो था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मृदा परीक्षण है उनके आधार पर भारतीय मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में रखा था। तो ICAR के अनुसार मिट्टियों के प्रकार अगर पूछे वैसे पूछा नहीं जाता है तो आपको याद रखना है इनसेप्टिसोल्स, फिर एंटीसोल्स, फिर एल्फीसोल्स, फिर वर्टिसोल्स, फिर एरिडिसोल्स, उसके बाद आता है अल्टीसोल्स, फिर आता है मोलिसोल्स। ये प्रमुख मिट्टियों के प्रकार थे उस समय स्वतंत्रता के पश्चात जो बताए गए थे। पर इसके बाद जो है उत्पत्ति, रंग, बनावट की संरचना के आधार पर भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण आगे जो आने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, वो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, इसका कोई मायने नहीं था। देखते हैं उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा उपस्थिति के आधार पर भारतीय मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल और पीली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी, पीटमय मिट्टी और वन मिट्टी। ये मिट्टियों के जो है 8 प्रकार है बच्चों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिट्टियों को उनकी उत्पत्ति, रंग और संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया। 8 के नाम आपको याद रखना है। पहली है वापस देखना जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी, पीटमय मिट्टी और वन मिट्टी। ये मिट्टियों के कुछ प्रकार हैं। शुरू करते हैं पहले, अब इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। पहली मिट्टी है बच्चों जलोढ़ मिट्टी, किसे कहते हैं देखना, जलोढ़ मिट्टी या मृदा। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है, यानी भारत के विस्तृत भूभाग जो उत्तर में है, मैदान उत्तर का विशाल मैदान, उसमें पाई जाती है। लगभग ये देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भूभाग को ढके हुए हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के 40% भूभाग पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। यानी निक्षेपित का मतलब कि नदियों द्वारा अपने साथ जो कंकड़ पत्थर या कण बिछा कर लाए जाते हैं, बहा कर लाए जाते हैं, उनके जमने से जो उपजाऊ मैदान बन जाते हैं वो जलोढ़ मिट्टी के मैदान ही होते हैं। ये जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली हुई है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाई और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की होती है। सामान्यतः इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है, बच्चों याद रखना, इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है, फॉस्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगड़ के नाम की मृदा विकसित हुई है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी और बांगड़ जो है पुरानी मिट्टी है। तो ये मिट्टियों में, जलोढ़ मिट्टी में खादर और बांगड़ का प्रश्न बन सकता है। इससे पहले इस चित्र को देखते बच्चों, ये भारत की मिट्टियों के प्रकार आपको यहाँ ऊपर वाले गहरी डार्क कलर में जो है ये मिट्टी जो है वन मिट्टी कहलाएगी, यानी वनों के लिए उपजाऊ। उसके बाद ये जलोढ़ मिट्टी जहाँ जहाँ अपन पढ़ रहे हैं, ये डॉट वाला हिस्सा जो है भारत में, यहाँ यहाँ जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात के कुछ हिस्से में, यहाँ पर राजस्थान का संकीर्ण हिस्सा ये जा रहा है, यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी है। फिर यहाँ से पूर्वी राज्यों में कुछ हिस्सों में जो है आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी जो है बच्चों, ये तटीय क्षेत्र है हमारे, इसके किनारे भी आपको जलोढ़ मिट्टी नज़र आ जाएगी। तो ये भारतीय मिट्टियों को दर्शाने वाला एक मानचित्र है जिसको आप देख सकते हो। आगे शुरू करते हैं, लेटराइट मिट्टी अपनी जो चल रही थी, खादर और बांगड़ की बात अपन कर रहे थे, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देती है। बांगड़ खादर तो नवीन, हर साल बाढ़ के मैदान, जो बाढ़ आती है उससे जो मैदान बनते हैं मिट्टी जमने से, वो जो है खादर कहलाएंगे। बांगड़ देखना, बांगड़ जो है पुराना जलोढ़ होता है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगड़ मृदाओं के कैल्शियमी संगठन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं, जिसमें मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी की मृदाएँ अधिक दुमटी और मन में होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा जो है बढ़ती जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई और जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाले समय अवधि पर निर्भर करती है। जलोढ़ मृदा पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि यानी जिसमें जीवन चलाने के लिए उपयोगी जो फसलें होती है उन्हीं का केवल जो है इसमें जो क्या किया जाता है, फसलें वो बोई जाती है। फिर दूसरी मिट्टी बच्चों पढ़ते हैं, काली मिट्टी। काली मृदा दक्खन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। गोदावरी और कृष्णा कावेरी के उत्तरी भाग और दक्खन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और बच्चों आपको पता ही है, काली मिट्टी को जो है रेगर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इस मृदा को रेगर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी के अन्य नाम रेगर और कपास वाली काली मिट्टी। आमतौर पर काली मिट्टी मृदाएं गहरी और अपारगम्य होती है। ये मृदाएं गीली होने के कारण फूल जाती है और चिपचिपी होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है बच्चों, मटकी वगैरह, वो काली मिट्टी से ही बनते हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार अपने तालाब के अंदर आपने देखा होगा कि मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, वो काली मिट्टी होती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें स्वतः जुताई हो गई हो। नमी के धीमे अवशेषण और नमी के क्षय की इस विशेषताओं के कारण काली मिट्टी में लंबी समय तक नमी बनाए रहने की क्षमता भी होती है। यानी एक बार इसको पानी पी दे तो लंबे समय तक इसमें पानी की नमी बनी रहती है। इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को, शुष्क ऋतु में नमी मिलती रहती है और ये फलती फूलती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूने, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़ा काला और स्लेटी रंग के बीच का हो सकता है। तो ये दो मिट्टियों के प्रकार अपन ने पढ़ लिए, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। बाकी बची हुई मिट्टियों के प्रकारों के बारे में अपन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।